सो फाइनली वी आर बैक राइट अप. तो एक्चुअली पैन नहीं मिल रहा था, फाइनली मिल गया है ना, टाइम से मिल गया. तो आज यार हम लोग शेल्टर टॉपिक की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि शेल्टर है क्या और कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है शेल्टर. इतना ही नहीं, सबसे शेल्टर के जो यूजेस हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, काफी ज्यादा उपयोग में लाया जाता है शेल्टर. शेल्टर का जो टॉपिक है काफी ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट राइट. हम लोग शेल्टर की बात करेंगे राइट गाइस, ठीक है. तो हम सब लोग आज शेल्टर टॉपिक की चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक. तो सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं आप सब लोग, हाउ यू ऑल गाइज आर, कैसे हैं आप सब लोग. एक बार हर कोई अपने हालचाल लिख दीजिए फटाफट से कि आप सब लोग कैसे हैं, ठीक है. ठीक है, बहुत बढ़िया. ओके चलिए स्टार्टिंग करते हैं. सबसे पहले आवास क्या है. आवास वो एक स्थान है जहाँ जो स्थान हमें खराब मौसम, जब मौसम खराब हो जाता है उससे, गर्मी ठंडी हवाओं से और बारिश के जो खतरा होता है साथियों, उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है. अभी आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, आया ना, हर कोई अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, एक क्लास लेते समय एक आवास में आप सब लोग क्यों बैठे हुए हैं, बाहर किसी पेड़ के नीचे बैठकर क्लास क्यों नहीं लेते हो, बिकॉज पता चला बारिश होने लगी है तो क्या आपका फोन, आप सुरक्षित रह पाएंगे. आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं. बाहर कोई रात को अगर आप रहने लगे और कोई जंगली जानवर आने लगे तो क्या आप सुरक्षित हैं, आपका होगा सर बिल्कुल नहीं. तो खतरा बना रहता है. तो जो आवाज जो है वो हमें मौसम, खराब मौसम, गर्मी, ठंडी हवा, इन सब के खतरे से साथ हमारी सुरक्षा प्रदान करता है. आवास एक ऐसी जगह है जहां जानवर या इंसान आराम कर सकते हैं, राइट. आवास वो जगह है जहां पर कोई भी जानवर या फिर इंसान, ठीक है, या फिर इंसान बहुत आराम से रह सकते हैं. साथियों जानवरों का ज्यादातर जो आवास होता है वो स्थायी आधार पर होता है. अस्थायी आधार पर जानवरों का आवास होता है, मतलब जानवर जो होते हैं वो अस्थायी आधार पर रहते हैं. लेकिन मनुष्य को जो आवास है, इंसानों का जो आवास है वो ज्यादातर साथियों स्थायी ही देखने को मिलता है हमें, है ना. ज्यादातर जो मनुष्य जो है साथियों वो स्थायी तौर पर रहना पसंद करते हैं, वो अस्थायी नहीं रहते साथियों, वो स्थायी आधार पर रहना पसंद करते हैं. मनुष्य अपनी जरूरतों के आधार पर अपना आवास बदलते रहते हैं और आवास जो मनुष्य को जो आवास है वो उन्हें ना सिर्फ गोपनीयता देता है बल्कि हमारे तमाम प्रकार का जो भी सामान है उसे संग्रहित करने का भी जो है या सुरक्षित रखने का भी जगह देता है. तो आवास ना सिर्फ गोपनीयता प्रदान करता है बल्कि हमारे सामान को भी संग्रहित करता है, सामान को भी बचा के रखता है. भोजन पानी की मूल भावना के साथ साथ आवास की मूलभूत संरचनाओं में से एक है. गाइस एक मिनट, राइट. चलिए गाइस, सो भोजन पानी और संगति की जो भावना होती है राइट, उन सबसे अगर हम बात करें तो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता हमारी शेल्टर की बनती है. एक संरचना है जो बारिश, खराब मौसम, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक ठंडी हवा, इन सबसे हमारी रक्षा प्रदान करती है और हमें रहने के लिए एक अच्छी सी जगह देती है साथियों. तो अगर हम सृजन के आधार पर बात करें शेल्टर की तो ये दो प्रकार के पाए जाएंगे, मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित, है ना. शेल्टर हमारे किस कितने प्रकार के मिलेंगे साथियों हम लोगों को, दो प्रकार के शेल्टर. एक ऐसा होगा जो मनुष्यों ने बनाया होगा और दूसरा ऐसा होगा जो जानवरों ने या फिर प्रकृति ने बनाया होगा. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मानव निर्मित शेल्टर कौन से हैं. तो जो मानव निर्मित आवास है साथियों जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, ये वो भौतिक आवास है जो मनुष्यों ने बनाए हैं, है ना, इंसानों ने बनाए हैं, लाइक हमने और आपने बनाए हैं. ये हमारे क्या कहलाते हैं साथियों, मानव निर्मित आवास कहलाते हैं. वहीं दूसरे तरीके के जो आवास होते हैं वो प्राकृतिक रूप से बनाए गए आवास होते हैं, है ना. दूसरे जो हमारे आवास होते हैं वो नेचुरल शेल्टर होते हैं, ठीक, नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं. दूसरे तरीके के जो शेल्टर है वो नेचर मेड शेल्टर होते हैं साथ, याद रखिएगा, ठीक है, नेचर के द्वारा बनाए जाने वाले शेल्टर होते हैं, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ शेल्टर की बात करें तो शेल्टर को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले स्थायी आवास आता है.
व्हाट इज अ परमानेंट शेल्टर गाइस, कम ऑन एवरीवन, कौन बताएगा मुझे एक परमानेंट शेल्टर है क्या? बताइए जरा। परमानेंट शेल्टर वो शेल्टर है जहां पर आप लंबे समय तक रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका घर हो सकता है, आप घर में लंबे समय तक रहते हैं। आपका घोंसला हो सकता है, आपका नहीं लेकिन जो पक्षियों का जो घोंसला है वहां पर, है ना। और गुफाएं हो सकती है, सब लंबे समय तक यहाँ पर इंसान जानवर ये तमाम चीजें जो है वो रहती है। ऑन द अदर हैंड वी हैव अस्थाई आवास, वी हैव टेम्परेरी शेल्टर्स। टेम्परेरी शेल्टर्स में, टेम्परेरी शेल्टर्स वो आवास है साथ जहां मनुष्य या फिर मानव बहुत कम अवधि के लिए रहते हैं और किसी एक विशिष्ट कारण की वजह से, किसी एक विशिष्ट चीज की वजह से यहाँ पर निवास करते हैं साथ, किसी एक उद्देश्य की वजह से यहाँ पर निवास करते हैं। उदाहरण के लिए छात्रावास, मतलब जहां छात्र रहते हैं। आश्रय गृह, जहां पर आश्रय रहते हैं। प्रवासी पक्षी, घोंसले, हाउस बोट, ये तमाम प्रकार के जो हमारे आवास होते हैं वो अस्थायी आवास होते हैं साथ। इन आवास स्थानों को समय समय पर एक दूसरे से स्थानांतरित किया जा सकता है ना। इन आवासों को, अस्थायी आवासों को एक समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज सकते हैं साथ, ठीक है। इनमें कुछ जानवर है हमारे, जिसमें शेर कहाँ रहना पसंद करता है, मानव में रहना पसंद करता है। क्वेश्चन पूछा गया साथ, ये सीटीईटी का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। घोड़ा और गधा अस्तबल में पाए जाते हैं साथ, भेड़ जो है वो मेड में पाई जाती है। ये तमाम प्रकार के हमारे क्या है साथ, आश्रय है जो हमें देखने को मिले। शेर मानव में, घोड़ा और गधा अस्तबल में, भेड़ मेड में, यहाँ पर ही पाए जाते हैं तमाम प्रकार के जीव जो है, पशु पक्षी। कुत्ता और बकरी कुत्ता घर में, मुर्गी बाड़े में पाई जाती है, ठीक है। आगे तो कुत्ता और बकरी घर के बारे में आपको पता चला कि कुत्ता और बकरी कुत्ता घर में पाए जाते हैं, मुर्गी बाड़े के अंदर पाई जाती है ना। मगरमच्छ बहुत बड़े होते हैं राइट। अब आपने देखे होंगे कि मगरमच्छ की खासियत क्या है, वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करता है मगरमच्छ जहां पर थोड़ी भूमि हो प्लस थोड़ा पानी हो, है ना जी। मगरमच्छ पानी या भूमि के पास में मिलता है। सुअर, सुअरशाला या गंदे स्थानों में। खरगोश बिल के पास में देखने को मिलता है, ठीक है। खरगोश बिल के पास हमें देखने को मिलता है। चींटियां भूमि में बिल के दरारों पर देखने को मिलती हैं। मकड़ी जालों में देखने को मिलती हैं। दीमक पेड़ के तने और बिल में देखने को मिल सकते हैं। केचुआ और बिच्छू मिट्टी में दफन हो सकते हैं। हनी छत्ता पेटी में देखने को मिल सकते हैं साथ, ठीक है। जो हनी है यानी कि जो बीज है वो हमारी छत्ते में देखने को मिल सकते हैं साथ, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लायन लिव्स इन डैम, हॉर्स एंड डंकी लिव्स इन स्टेबल, शिप लिव्स इन पेन, डॉग लिव्स इन कैनल्स, हैन लिव्स इन कूप, क्रोकोडाइल्स लिव्स इन वाटर, पिग्स लिव्स इन स्टाई और पिग्स टी राइट, रैबिट लिव्स इन बरो, आर्न लिव्स इन बरोस, स्पाइडर लिव्स इन वेब, टर्माइट लिव्स इन ट्री ट्रंक और बरोस, अर्थवॉर्म एंड स्कॉर्पियो लिव्स इन बरो इन सॉइल, राइट, दे आर बेसिकली बरो इन सॉइल, हनी बी लिव्स इन बीहाइव्स, है ना। जो हनी बी होती है वो बीहाइव्स में रहना पसंद करती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जानवर, भूमिगत जानवर चूहे, सांप, खरगोश, केंचुए, बिच्छू, ये सब जानवर बिल में रहना पसंद करते हैं। भूमिगत नाम लिखा है तो ऑब्वियसली बात है भूमि के अंदर रहना पसंद करेंगे। जलीय जानवर, ये जानवर पानी में रहते हैं, जैसे मछलियां, मेंढक, मगरमच्छ, प्रकार तमाम प्रकार के जलीय जानवर है साथियों जो हमें जल के अंदर देखने को मिलते हैं। पक्षी और उनके आवास में बात करूं तो भारतीय रॉबिन, इंडियन रॉबिन है साथियों। ये पेड़ के शीर्ष पर घास, मुलायम टहनियों और कपास और उनके साथ में अपना घोंसला बनाता है और पत्थरों के बीच में जो है अपने अंडे देता है साथियों। वहीं जो कौवा है ये पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है और ये घोंसला बनाने में तार का, लकड़ी का, घास का, टहनियों का उपयोग करता है। कौन? कौवा साथियों। जो क्रो है वो इन तमाम चीजों का उपयोग करता है, लकड़ी का, तार का, घास का, टहनियों का, इन सब चीजों का जो कौवा है वो उपयोग करता है मेरे घर में। नाइट एंगल, नाइट एंगल डू नॉट मेक सच साउंड नाइस, राइट। नाइट एंगल जो होती है साथियों, कोयल जो होती है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती।
कोयल की खास बात क्या है कि वो अपना घोंसला बनवाने के लिए कुएं से कहती है, तो कुआ जो है वो कोयल का घोंसला बनाता है। समझ रही है मेरी बात? अब कोयल का घोंसला कौन बनाता है बताइए? को है ना, कौवा जो है वो कोयल का घोंसला बनाता है साथियों। स्पैरो एंड पिजन, गोरैया और कबूतर, राइट, ये जो बर्ड्स हैं, राइट, स्पैरो और कबूतर, ये जो पक्षी हैं, ये अपना घोंसला जनरली साथियों घर के आसपास या फिर घरों में बनाते हैं, जैसे कि अलमारी, झरोखे, इन तमाम जगह पर हमारे गोरैया और कबूतर हमें देखने को मिलते हैं, स्पैरो और पिजन देखने को मिलते हैं। दर्जन चिड़िया जो है साथियों, टेलर बर्ड जो है, ये पत्तियों के घोंसले बनाने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करती है, राइट। जो टेलर बर्ड जो है वो इस तरीके की चोंच का उपयोग करते हैं साथियों, जो क्या करता है साथियों, जो कि किसी भी पेड़ के तने में, राइट, सॉरी, किसी भी पेड़ की तह पर अपना घोंसला बना सकता है। ये पत्ता है, इस पत्ते की तह पर अपने अंडे दे सकती है दर्जन चिड़िया, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अंडे दे सकती है और इसको सिल सकती है कौनों से, राइट, इस तरीके से इन्हें कौनों से सिल सकती है, ये हमारे दर्जन चिड़िया में हमें देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। बारबेट ठटेरा, ये पेड़ के तने पर अपना घोंसला बनाता है। ठटेरा जो है साथियों, बारबेट जो है वो अपना पेड़ के तने पर, है ना, पेड़ जो होता है उसके तने पर अपना घोंसला बनाता है यहाँ पर, ठीक है। बारबेट कबूतर की अगर मैं बात करूं डव की, तो जो डव है वो कांटे के पौधे के मध्य में अपना या फिर मेहंदी के बाड़े में अपना घोंसला बनाता है साथियों डव, है ना। और जो सनबर्ड है मेरे प्यारे मित्रों, ये पेड़ की शाखाओं से घोंसले को लटकाकर अपना घोंसला बनाता है। जो सनबर्ड है साथियों, वो कुछ इस तरीके से अपनी शाखाएं लटकाकर अपना घोंसला बनाने का काम करता है, जो सनबर्ड होता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। वीवर बर्ड, नर वीवर पक्षी जो होता है वो अपनी मादा के अंडे देने के लिए सुंदर बना हुआ घोंसला बनाता है मेरे प्यारे मित्रों। जो वीवर बर्ड है, नर वीवर बर्ड जो होता है साथियों, नर वीवर पक्षी अपनी मादा के अंडे देने के लिए सुंदर बना हुआ जो घोंसला है साथियों, वो बनाने का काम करता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक। अच्छा, ह्यूमन सेंटर्स की अगर मैं चर्चा करूँ आप लोगों से, मानव आवास की चर्चा करूँ, मैप वाला क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा, राइट, मैप वाले के लिए क्लास होती है मिसलिनियस क्लास, वो मैं अलग से लूंगा आपकी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक। मैप वाली जो क्वेश्चन हैं उनके लिए एक अलग से क्लास होती है, वो मैं लूंगा आप लोगों की, टेंशन मत, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, डन, ओके। चलो तो समझिए, ह्यूमन सेल्टर्स, तो ह्यूमन सेल्टर जो है एक हैबिटेट है जहां पर इंसान रहता है, ठीक है। एक ह्यूमन सेल्टर जिसे हम लोग हाउस बोलते हैं, घर बोलते हैं, हाउसेस कैन बी ऑफ टू टाइप, ये घर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कच्चे घर, एक पक्के घर। कच्चे घर जो है, ये जो हैबिटेट्स हैं कच्चे घर, ये वुड के, मड के, स्ट्रॉ के बनाए जाते हैं साथियों, है ना, किस किस के बनते हैं, वुड के, मड के और स्ट्रॉ के बनते हैं। और पक्के घर जो है साथियों, ये कॉन्क्रीट के, ब्रिक्स के और आयरन के बनते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर फ्लैट्स, बंगला, ठीक है, इन सब के हमारे जो है वो पक्के घर बनाए जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मतलब इन सब के पक्के घर जो हमें देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा, अलग अलग जलवायु के हिसाब से हमारे घर अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप गए राजस्थान, राजस्थान में क्या ज्यादा है बताइए, ठंड ज्यादा गर्मी ज्यादा है? रेगिस्तान में ठंड ज्यादा गर्मी ज्यादा है? चलिए, मिट्टी से बने घर, ये जो घर है वो चारे, झाड़ी, बबूल की लकड़ी, घास, इन सबसे बने होते हैं, मिट्टी से बने घर। और ये जो घर है वो आमतौर पर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ बेहद गर्म जलवायु होती है, ये गांव में पाए जाते हैं, राइट, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म जलवायु होगी या फिर गांव होगा, वहां पर हमारे विशिष्ट प्रकार के जो घर है वो बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये घर सामान्यतः राजस्थान के गाँव में पाए जाते हैं ताकि गर्मी इसके आर पार ना गुजर सके, और इन घरों को सामान्यतः कीड़ों से बचाने के लिए गोबर और मिट्टी से रंगा जाता है, राइट। किससे बचाने के लिए साथियों? कीड़ों से बचाने के लिए गोबर से और मिट्टी से साथ क्या किया जाता है? रंगा जाता है साथियों इन घरों को। लकड़ी और बांस से बने घर जो होते हैं साथियों, ये घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। ये घर सामान्यतः बांस और लकड़ी से बने होते हैं। ये घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं जिससे उन्हें बाढ़ से बचाया जा सके। और ये जो घर है वो असम और उत्तर पूर्वी इलाकों में पाए जाते हैं। कहां? असम में और उत्तर पूर्वी इलाकों में। तो क्वेश्चन में कभी भी आप लोग देखो कि असम, कभी भी आप लोग किसका नाम देखो साथियों, आप लोग कभी भी नाम देखो 10 से 12 फीट बांस का, राइट, आप लोग देखो कि यार 3 से 3.5 फीट ऊपर लिखा है, तो सीधा जो जवाब आप लोगों को आना चाहिए वो जवाब क्या आएगा आप लोगों को मुझे बताइए, बताइए फटाफट से।
बताइए यस असम आप लोगों का जवाब आना चाहिए। उस कंडीशन में जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि यार 10 से 12 फीट जो घर है राइट, 10 से 12 फीट जो घर ऊपर जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो याद रखेगा साथियों असम में पाए जाते हैं। ठीक है, डन है बॉस, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अरे भैया आगे बढ़ गया अब, ठीक है। पत्थर के घर, साथियों पत्थर के घर भी बहुत इंपोर्टेंट घर है, ये रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलेंगे आपको, खासतौर पर दो मंजिल वाले जो पत्थर के घर हैं वो। ये जो घर हैं वो मिट्टी और चूने की मोटी परत से बनाए जाते हैं। ये जो घर हैं हमारे पत्थर घर, मिट्टी और चूने की मोटी परत से बनाए जाते हैं घर। इस प्रकार के घरों में फर्श या छत बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग होता है पत्थर के घरों में, और सामान्यतः ये जो घर है उनमें भूतल की खिड़कियां नहीं होती। यहाँ के लोग पहली मंजिल पर रहते हैं और कभी कभी ठंड के दौरान छत पर सब्जियों और फल को सुखाने के लिए रखते हैं। ठीक, चलो हाउस बोट कहाँ देखने को मिलते हैं। देखो हाउस बोट या हाउस और बोट, यानी कि ऐसा हाउस जो कि बोट पर हो, निश्चित तौर पर हाउस बोट वहीं देखने को मिलेंगे जहां पर पानी होगा। और पानी कहाँ होता है, झीलों के अंदर, नदियों के अंदर, तो नदियों में तो घर टिक नहीं सकता, तो झीलों के अंदर घर को रखा जाता है। तो हाउस बोट जो है वो झीलों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हाउस बोट जो है वो झीलों में हमें देखने को मिलता है। ऊंची इमारतें, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं साथियों, ये मैदानी क्षेत्रों में या बड़ी मेट्रो शहरों में पाई जाती हैं साथियों। ये ईंट, सीमेंट, लोहे, स्टील, इन सबसे बनी होती ऊंची इमारतें हमारी। डोंगा घर जो है साथियों, डोंगा घर हमारे कश्मीर की डल झील में, कहां पर साथियों, डल झील में नाव के रूप में मौजूद होते हैं साथियों डोंगा घर, है ना। टेंट हाउस जो है हमारे वो प्लास्टिक के कपड़े से बने होते हैं टेंट हाउस, और ये जो टेंट हाउस है वो सामान्यतः पर्वतरोही जो है इन घरों का इस्तेमाल करते थे साथियों। और लद्दाख की चंगप्पा जनजाति शंकु के आकार के जो तंबू के घर बनाए जाते हैं जो याक से बनते हैं, इनका उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग रैबो के नाम से जानते हैं। किसका नाम से जानते हैं साथियों, रैबो के नाम से जानते हैं। इग्लू घर बहुत ठंडे क्षेत्र में, बहुत ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं इग्लू घर, और इग्लू घर हमारे बर्फ की चादरों से बने होते हैं। किससे, बर्फ की चादरों से, है ना। ये घर बहुत छोटे प्रवेश द्वार के साथ अंडाकार घर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इग्लू है, ठीक है, अंडाकार शेप में इस तरीके से हमारा इग्लू जो है वो पाया जाता है। पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन, एक ऐसी जगह जहां पर घर ढलान वाले छतों के साथ पत्थर से बनाए जाते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल छत और मंजिलों की दीवारों के डिजाइन के लिए किया जाता था। ये डिजाइन जिक्स पहेली होती है, गाँव के घरों के बने होते हैं, मिट्टी के साथ लेपित होते हैं, एक जगह कौन सी है साथ बताइए। हालांकि इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज है जो कि इसका सही जवाब देगी साथियों, जो इसके जवाब को थोड़ा पलट देती है। ठीक है, सही आंसर है साथियों कश्मीर, है ना। देखो तुम्हें ध्यान से साथियों, जब भी बात जिग्स की पहेली की हो, है ना, तो आपका जम्मू कश्मीर चले जाएगा, कश्मीर चले जाएगा, है ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, जब बात हो साथियों किसकी, खत्म बंद की, तो आपको जम्मू जाना है, जम्मू कश्मीर दोनों में खत्म बंद है, राइट, याद रखिएगा। अच्छा, लद्दाख की किस जनजाति के द्वारा तंबू के घर बनाए जाते हैं, कौन सी ऐसी जनजाति जो तंबू के घर बनाती है, बताओ। यस, करेक्ट आंसर इज रेबो, है ना। लद्दाख की जो जनजाति है चंगप्पा जनजाति, उसका तंबू के घर बनाने के लिए हम लोग रेबो का उपयोग करते हैं। किसका, रेबो का। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। डोंगा घर निम्न में से किस झील में पाया जाता है, चलिए सही आंसर है साथियों डल झील में, ना। डोंगा झल जो डोंगा घर है वो डल झील में पाए जाते हैं। लोग जिस प्रकार के घरों में रहते हैं वो किस पर निर्भर करता है,
बताइए, लोग जिस प्रकार के घरों में रहते हैं वो किस पर निर्भर करता है, बताइए साथियों। चलिए सही आंसर है साथियों ऑल ऑफ द अबव, है ना। लोग जिस प्रकार के घरों में रहते हैं वो इन सब पॉइंट्स पर निर्भर करता है कि क्लाइमेट कैसा है ना, मटेरियल्स अवेलेबल है नहीं है, लाइफस्टाइल कैसे उनकी, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। स्काई स्क्रैपर्स कहां पर पाई जाती है साथियों, बताइए। डेवलप्ड है ना, स्काई स्क्रैपर्स हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में पाए जाते हैं। कैसी कंट्रीज में साथियों, वो तमाम कंट्री जो कि बहुत डेवलप्ड है उनमें हमारे स्काई स्क्रैपर्स पाए जाते हैं साथियों, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस पक्षी में रहने के आसपास वाली जगह पर अपना घोंसला बनाता है, रहने के आसपास वाली जगह पर अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है बताओ, कबूतर, बारबीट, कॉपर स्मिथ या फिर सनबर्ड। हमारे रहने के आसपास जगह पे जो जनरली देखा जा सकता है, चलिए नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कांटों के बीच में मेहंदी के बाड़े में रहता है बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी जो कांटों के बीच में मेहंदी के बाड़े में रहता है बताइए। बहुत बढ़िया, सही आंसर साथियों, करेक्ट आंसर इज डब। कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए साथियों अपने, आप लोगों के डेफिनेटली कुछ ना कुछ डाउट्स रहे होंगे टॉपिक से, पूछ लीजिए बराबर। चलिए इट्स टाइम फॉर योर डाउट्स गाइस, कम ऑन एवरीवन। वीडियो रुक गया है, ओके, वीडियो मस्ट, वीडियो रुका नहीं होगा, वीडियो तो आ रहा होगा, है ना। आश्चर्य क्या होता है, जहां पर आप हवा, तेज हवाएं, खराब मौसम, इन तमाम चीजों से बचने के लिए रहते हैं वो आश्रय कहलाता है। सर आपकी बुक कौन सी है, ईवीएस बाय लॉकेट सर सर्च कर लीजिएगा अमेज़न पे, वही है। और बताइए साथियों, डेवलप इज ऑलमोस्ट डेवलप आंसर क्या होगा, डेवलप और डेवलपिंग और ऑलमोस्ट डेवलप, यार देखो गगन चुंबी मारे थे तो डेवलप्ड में ही मिलते हैं, राइट। और अगर हम बात करें तो भारत की, तो भारत एक डेवलपिंग है, लेकिन उसके भी जो डेवलप्ड ही जो सिटीज है उन्हीं में आपको स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगे, बाकी कहीं नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं कन्हैया, मतलब आपको डेवलप्ड में ही दिखेंगे। सर आप बहुत दिन बाद क्लास लिए हैं, हाँ आज काफी दिन हो, आप लोगों के बैच में काफी दिन बाद क्लास हुई है, शायद कुछ क्लास वगैरह में मिस था क्या, ये वाला टॉपिक रह गया था क्या, ये वाला टॉपिक आपकी क्लास में, क्यों भाई लाड में बोलो, रह गया था क्या ये वाला टॉपिक। सर उस क्वेश्चन का सही आंसर डेवलप्ड ही होगा कन्हैया, बिकॉज स्काई स्क्रैपर्स सिर्फ डेवलप्ड ही जगह पर मिलता है, क्या बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी होती है वहीं पर आपको ये देखने को मिलता है स्काई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी इमारतें। सर ये न्यू बैच नहीं है, बहुत पुराना बैच है, बहुत पुराना बैच है, ठीक है। चलिए साथियों फिर मुलाकात होगी आप लोगों से आज दोपहर 1:30 बजे, सब लोग आइए दोपहर 1:30 बजे, है ना। चलिए थैंक यू सो मच गाइस।
मैप वाली क्लास मैंने दोपहर 1:30 बजे वाली क्लास में रोज क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको फिर भी अगर इश्यू है तो मैं एक मिसलेनियस क्लास एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूंगा इस बैच में, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।